हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी विंड। टेस्टी विंड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ इजी और टेस्टी स्नैक्स पोटैटो रोल की रेसिपी। ये नाश्ता दोस्तों बहुत ही कम समय में, कम मेहनत, कम चीज़ों से झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। इसे ना तो मैदा ना सूजी से बनाएंगे, इसे सिंपल गेहूँ के आटे से ही बनाकर कुरकुरा स्नैक्स तैयार करेंगे। और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दी है और थोड़ा सा कलौंजी डाला है, जिसे मंगरेल भी कहा जाता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल मिलाया है, यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहे तो घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल से जो ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। सभी को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। फ्रेंड्स, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनकर तैयार होता है, इसलिए आप बेझिझक बच्चों को या घर के बूढ़े बड़ों को इसे सर्व कर सकते हो। यहाँ हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया, इसे रेस्ट पे रख देते हैं, तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए, इन सभी को अच्छे से मैश कर दिया। आलू को अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें किसी तरह की कोई गुठली ना रह जाए। इसमें अब थोड़ा हम हल्दी डालेंगे जिससे अच्छा कलर आएगा, जीरा, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। दोस्तों मैं यहाँ पे कैच के सारे मसाले यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे लाल मिर्च डाल दिया हमने। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे हमारा आलू की जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। यहाँ पे कटी हुई हरी धनिया और 2-3 मैंने हरी मिर्च ली थी, इन्हें भी बारीक काट के डाल दिया है। इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ना तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं नमक का स्वाद आ रहा है तो कहीं मिर्च का स्वाद आ रहा है। रोज़ाना एक जैसा नाश्ता खा खा कर अक्सर लोग जो है बोर हो जाते हैं, फिर चाहे वो कितना भी हेल्थी या टेस्टी क्यों ना हो, सही रेसिपी की हमें जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम रोज़ाना एक जैसा नाश्ता खाते रहते हैं। ये एकदम नई और लाजवाब रेसिपी है, जिसे आप आसानी से 10-15 मिनट में ही बना लेंगे। आलू की चटपटी स्टफिंग हमने बनाकर तैयार कर ली। अब हमने जो आटा लगा के रखा था, इसमें से हम एक लोई तोड़ेंगे और रोटी की तरह इसे हम बेल लेंगे। इसे रोटी से हम थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे और इसकी जो थिकनेस है वो भी हम इसे पतली ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है रोटी से इसे बड़ा ही बेला है। अब हमें इसे स्क्वायर शेप देना है, इसलिए हम इसके सारे जो किनारे हैं वो काट लेंगे ताकि इसका अच्छा परफेक्ट स्क्वायर शेप आ जाए। अब चाकू की सहायता से आधे पार्ट में हम इस तरह से इसमें कट लगा देंगे और जो ऊपर का भाग है उसे ऐसे ही रहने देंगे, उसमें कट नहीं लगाएंगे। अब हमारी जो आलू की स्टफिंग थी उसे हम थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से हम ऊपर के पार्ट में रख देंगे। इसे थोड़ा हम इस तरह गोल ही रखेंगे, फैलाना नहीं है हमें। अब ऊपर का एक छोर उठाएंगे और इस तरह से इसे हम चिपका देंगे और फिर इसे हम राउंड करते जाएंगे। घुमा घुमा कर हमें इसे एक राउंड शेप दे देना है। इसे इस तरह से घुमा घुमा कर फोल्ड कर लेंगे। एंड में जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, जिससे जब इसे हम फोल्ड करें तो ये अच्छे से चिपक जाए। हथेलियों से, अपने दोनों हथेलियों से इस तरह से घुमा घुमा कर हम इसे एक राउंड शेप दे देंगे, परफेक्ट राउंड शेप दे देंगे। अब नाइफ की सहायता से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसे 3 पीसेस में काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी की लोइयों को भी हम इसी तरह से बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। ये जो स्नैक्स है पोटैटो रोल, ये बनाने में जितना ही आसान है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने अपने सारे रोल्स देखिए इस तरह से बना लिए हैं। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखी, उसमें ऑयल डाला। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपने सारे पोटैटो रोल्स डाल देंगे। हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। इन्हें 1-2 मिनट तक इसी तरह से हम फ्राई करने देंगे। जब ये नीचे से थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इन्हें हम उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट में ही ये अच्छे फ्राई हो चुके हैं, कितना परफेक्ट कलर आया है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा हेल्थी ब्रेकफास्ट व्हीट फ्लोर स्नैक्स बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं या चाय के साथ खाएं। मैंने तो घर पर चाय बनाई और इसके साथ इसे सर्व किया, सभी को बहुत पसंद आया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाने के लिए ना सूजी की ज़रूरत है ना मैदा की, घर में रखी ही सामग्री से एकदम नई और लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।